तो यार पता नहीं मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है। तो हेलो गाइस, नमस्कार हम, और वापस से एक नया सा डेली व्लॉग में स्वागत है आप लोगों को। तो अभी मैं देखो बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, क्या हो गया, निकलने के लिए। और मतलब बैग में मैंने जितना हो सके कम सामान लिया है इस बार। टेंट का मैंने वाटरप्रूफ कवर छोड़ दिया है, मतलब ऐसे जगह में कैंपिंग करूँगा जहाँ पे छत होगा। और उसके बाद मैंने क्या क्या फेंक दिया, अपना हैमॉक भी फेंक दिया, मतलब घर में रख दिया, और ऐसा ही बोर्ड कोर्स। लेकिन बजट बचाने के लिए मैंने लिया है कुकिंग का सामान लिया है, वो मैं कुकिंग करूँगा। और ज़्यादातर मैं टेंट पे नहीं रहूँगा इस बार, हॉर्स ट्रैवलिंग करूँगा, काउच सर्फिंग करूँगा। उसके बाद मैंने ट्रेन किया था ना सिलचर तक, वो भी कैंसिल हो गया, आप लोगों को पता है, पिछला ब्लॉग में भी मैंने बता ही दिया था। तो मैंने सोचा था हिचकिंग करूँगा, लेकिन अभी मैं ले रहा हूँ बस, क्योंकि ये वाला जो रूट है त्रिपुरा तक अगरतला तक मैंने पहले भी कवर कर चुका था। तो सोचा कि ये मौका मिलने से मैं आते समय वापस से कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं बस ले रहा हूँ। तो होप कि बस का जर्नी भी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, देखते हैं कैसा कुछ सीन बनते हैं बस का भी। और अभी निकल रहा हूँ, 8 बज गए का, और दूसरे की बाय बाय बोलना पड़ेगा, ठीक है, बाय बाय। आधारित तो नहीं है, ट्यूशन पर गया है, और मम्मी ये कुछ सिम्बा दे। हेलो, बाय बाय बाय, और घर को भी बाय बाय। यार गुवाहाटी में लेना है वो सामान, कुकिंग वाला ऑर्डर दिया था मैंने, तो एक दिन लगेगा आज गुवाहाटी में काम करने में। उसके बाद कल मेरा बस है 15 को इवनिंग में, मतलब आफ्टरनून में। उसके बाद 16 को मैं पहुँचाऊँगा अगरतला, ठीक है, चलते हैं अभी। तो अपना भाई पहुंच गया टाउन, अभी बस के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट बस मिलता है मेरा टाउन से गुवाहाटी के लिए, तो वही वेट कर रहे हैं। अभी सुबह में चला गया बहुत सारा, अभी और भी आना बाकी है, ठीक है, वेट करते हैं, ऐसा वहाँ पे ही मिल जाएगा। तो आ गया अपना बस, 9 बजे पहुंच गया यहाँ। तो चढ़ गया अपना भाई बस में, और 3 घंटा का सफ़र है यहाँ से गुवाहाटी तक के लिए, लगभग 110 किलोमीटर है, 110। पहुँच गया गुवाहाटी वापस से, और फिर से वेलकम बैक टू गुवाहाटी। तो अभी मुझे यहाँ पे पहले इस वाला जगह में लेना है मेरा हेयर, जो कि एक दोस्त का घर में छोड़ के गया था मैंने। तो अभी धूप भी टक रहा है, इसलिए हेयर चाहिए होगा, जो डिकार्टमेंट वाला है, पुराना है, मोर ले लेते हो। और टेम्परेचर अभी यहाँ पे है 36 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ है। और इस तरफ सिटी जाते हैं, मुझे जाना है इस तरफ, बिना बारिश का साचा लेना पड़ रहा है। तो दोस्त का घर मिल गया, यही वाला जो हेयर है ये मैं छोड़ के गया था यहाँ पे डिकार्टमेंट वाला, थोड़ा सा गंदा होके रखा है, अभी धो लेना पड़ेगा आज, लेकिन काम आएगा धूप में। तो ठीक है, अभी भाई से मिला रहता हूँ, टाइम हो गया। हेलो ब्रो, कैसे हो? वेलकम गाइस, बढ़िया है ना? बढ़िया बढ़िया। तो ब्रो भी, हाँ ब्रो भी यार जा रहा है ट्रिप में ना अभी? हाँ, कहाँ पे? नेपाल गया हूँ। नेपाल, ओके, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच, आपको भी। अभी खाना खाने चलते, ठीक है? ठीक है, लेट्स गो देन। तो खाने में गाइस ये चावल, और इसमें ऑमलेट है, बाकी ये आलू का सब्जी, और ये क्या KFC है क्या? ये माँ का KFC है। अच्छा अच्छा, ये चिकन का है? चिकन का नहीं, वो कुछ मैदा वैदा। अच्छा अच्छा, न्यूट्री हाँ हाँ, बड़ा बड़ा तो की और है, दाल का बड़ा है। हाँ, ये अच्छा, दाल से बनाया है ये, दाल का। हाँ अच्छा, और ये वाला खट्टा वाला होता है, ये असम में ज्यादातर मिलता है। अच्छा, बोरा बोलते हैं। हाँ, ये तो तुम लोग के यहाँ भी बनाता होगा ना? तेगा नहीं, उधर उतना नहीं बनाता है। अच्छा अच्छा, तो इधर में ये तेगा है, ये सोयाबीन का, ये सोयाबीन वो है सब्जी है, बस इतना ही है। अच्छा अच्छा, टेस्ट है, मैं खा लेता हूँ। तो अभी भाई का घर से मैं जाने के लिए रेडी हो गया, और शाम भी हो गया, बारिश आया था थोड़ा सा, तो मौसम ठंडा हो गया पूरा, और बारिश में डायरेक्ट 20 डिग्री के आसपास में आ गया, 25 डिग्री तो हो गया होगा, 25 डिग्री तो हो गया होगा। हाँ, और मेरा जूता भी भीग गया है, मैंने बाहर में रखा था, भूल गया था, अभी ऐसा पहनना पड़ रहा है बिना सॉक्स का।
तो पहुंच गया अपना भाई, आज यहाँ पे ही रहूँगा मैं खानापुरा में, मतलब ये ना गेट होता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो वहाँ से ही मुझे बस मिल जाएगा कल, अगरतला के लिए बस है। तो अभी रुके यहाँ पे, चलते हैं दोस्तों का रूम पे जो पहले रहता था। तो यार अभी दोस्तों का रूम तो पहुँच गया था और अभी हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं सिटी में, दिखा हो ना मैं ना, मतलब मेरा मतलब टेम्पर ग्लास टूट गया था कल मोबाइल गिर के हाथ से, लेकिन मेन ग्लास को कुछ भी नहीं हुआ। फ़ोन पे टेम्पर ग्लास लगाने जाना है, मेन ग्लास को कुछ नहीं हुआ यार, नहीं तो मेरा काट जाता फिर से। टाइम अभी बच चुका है 6:30 बजे, हमारा जो हो रहा था। तो अभी हम आ गया जीएस रोड पे, पहले खाना पा रहे पे चलते हैं, वहाँ पे पूछ लेते हैं मिलेगा कि नहीं। टेम्पर लगाने के बाद हम आया है फास्ट फूड खाने के लिए, थोड़ा सा खा लेते हैं यार, बहुत दिनों से मन कर रहा है चाइनीज कुछ खाओ, इसलिए चाउमीन खा रहा है अभी। टेस्ट करो यार, चीयर्स। यहाँ का अच्छा ही होता है। अच्छा है ना, इसलिए तो लाया है। हाँ बढ़िया ना, ठीक है खा लेता हूँ मैं भी। बस पहले बार मैं ऐसा कुछ छोटा छोटा वाला चाउमीन देख रहा हूँ, ये तो बहुत ही छोटा है यार, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मैं। तो इसका नामकरण मैं मिनी चाउमीन रखूंगा। टमाटर भी ले रहे हैं अभी हम, कितना कितना बोल रहे हैं पेशेंट है? 20-20 किलो, किलो 40 40 के जी। पॉलिथीन नहीं है, आज मार्केट डेट है यहाँ पे, थर्सडे को मार्केट लगता है, बेलतोला मार्केट गुवाहाटी का, BELTOLA, बहुत बड़ा है, सुबह से लेके अभी तक रहता है, मतलब सुबह से लेके रात तक पूरा मिलता है, और जो भी सामान चाहिए सब कुछ मिलता है यहाँ पे। कीड़े मकोड़े के वगैरह क्या था वो सिलकोम वगैरह मिलता है, मतलब सब कुछ मिलता है यार, स्नेल्स वगैरह एवरीथिंग मिलता है, लोकल 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 फिश, लोकल फिश, लोकल लोकल चिकन, लोकल डक, बेम्बू शूट, सब कुछ मिलता है। अभी देखो इतना रात तक है, और थोड़ा देर के बाद क्या होगा, थोड़ा देर के बाद अगर जब मतलब बाजार खत्म होने वाला होगा तब थोड़ा सस्ता सस्ता में देता है, सस्ता में देता है ना, अभी सस्ता में मिलेगा थोड़ा, अभी लास्ट में जब खत्म होने वाला होगा 10 बजे 9 बजे खत्म होते हैं, वो इतना इतना रात तक रहता है। ऐसा रास्ता में ही होते हैं यहाँ पे मार्केट ये वाला, थर्सडे एंड संडे को होता है। हम ले रहे हैं बेम्बू सूट, ये ड्राई वाला है ना, ड्राई वाला है ये, अच्छा ये बेम्बू सूट है, ओके ड्राई वाला। पोर्क के साथ खाएंगे यार, आप लोग तो नहीं खाते यार पोर्क ज़्यादातर लोग। देखो ये वाला भी बेम्बू सूट है, वैसे ये ब्रो केक कितना कितना है? कितना है आंटी जी इसका एग में? 100। और ये वाला, और ये वाला 30 का, थोड़ा छोटा वाला आता था ना यार, इसका 50 का, ओ ये है तो ये वाला देख, ये कितना का था पूरा कम वाला, मैं भी है ना बलुशी ब्रो, अच्छा ड्राई किंग चिल्ली ड्राई वाला, ये किंग चिल्ली ड्राई, ये वाला भी एक पैकेट में, वन पैकेट में 100 रुपीज़ है किंग चिल्ली। हाँ कौन सा 50 वाला चाहिए? ये 50 वाला है, इसको निकालो, बड़ा वाला को निकालो। और ये वाला देखो ड्राई फिश, ये मणिपुर से आता है क्या? मणिपुर से कितना है? 140। अच्छा
ये बहुत पॉपुलर है मणिपुर में, यहाँ भी बहुत टेस्टी होता है, फर्मेंटेड वाला है। तो पहुँच गया वापस से रूम पे, अभी बनाते हैं खाना वाना। हाँ अभी ठंडा लग रहा है ना। हाँ बढ़िया से हो गया। तो यार पता नहीं मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है, ट्रेन तो कैंसिल हो ही गया, उसके साथ साथ जो बस मैंने बुक किया था वो भी कैंसिल हो गया यार, और रिफंड भी अभी भी नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। और ट्रेन भी है ही नहीं, मैं देखा था आज भी नहीं कल भी नहीं, ट्रेन मतलब अगरतला जाने वाला ट्रेन है ही नहीं गुवाहाटी से। और ये वाला मैसेज अभी अभी आया है, बस भी कैंसिल हो गया, 975 लिया था देखो, हैज़ बीन कैंसिल बाई बस ऑपरेटर। पता नहीं यार क्या हो गया उन लोगों को, मैंने फ़ोन करके पूछा तो बोलते हैं अभी नहीं जाएगा कल। ओ क्या मुझे जाने नहीं दे रहे अगरतला, बांग्लादेश जाने नहीं दे रहे पता नहीं। और मैंने फटाक से नया वाला बुकिंग कर लिया था कल का सेम टाइम में ही, 3:30 PM को, इसी टाइम पे। देखते ये वाला क्या सीन बनता है, कुछ शेरों वाली टूर्स एंड ट्रेवल का है, पता नहीं क्या होगा अभी। ये वाला अगर कैंसिल हो गया ना, नया वाला जो मैंने बुक किया है, तो लूँगा ही नहीं मैं, बस ऐसे ही चला जाऊँगा चेकिंग करके, क्या करे यार, अभी तक रिफंड भी नहीं आया। ट्रेन का भी रिफंड आना बाकी है, और ये जो बस आज कैंसिल हुआ उसका भी रिफंड आना बाकी है।